नारायण सही जी कुछ कहना चाहोगे? नारायण सही कुछ कहना चाहोगे? परमार साहब, हम जानना चाहते हैं कि नारायण साईं को आज 5 साल के बाद कोर्ट ने दोषी करार किया और कई 5 लोगों को निर्दोष छोड़ा है। जो दोषी करार किए गए हैं उनके खिलाफ क्या सबूत थे और जो निर्दोष छोड़े गए हैं उनके खिलाफ क्या सबूत नहीं थे, जिसके आधार पर कोर्ट ने आदेश जारी किया? ये केस के अंदर करीबन 34 एक्यूज थे, इनमें से 10 के छोड़ के बाकी लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया था, इसलिए इनकी ट्रायल नहीं चली। 24 एक्यूज की, यहाँ 10 एक्यूज के खिलाफ ट्रायल चली। इसमें मेन एक्यूज था नारायण साईं। नारायण साईं के खिलाफ 376 और 377 का ऑफेंस मेन था। इसमें 120B का भी ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, कॉन्स्पिरसी का। जब 120B आता है तो जो भी आरोपी दोषी पाए जाते हैं उनको मेन ऑफेंस जितनी ही सजा मिलती है, और इसमें ये 5 आरोपी को आज दोषी पाया गया है। इसमें नारायण साईं, गंगा, जमुना, हनुमान और राजकुमार मल्होत्रा। जिन 5 लोगों को दोषी घोषित किया है कोर्ट ने, उनके खिलाफ क्या एविडेंस महत्वपूर्ण रहे जिनके तहत नारायण साईं को भी दोषी माना गया और बाकी उनके साथीदारों को दोषी माना गया? जहाँ तक नारायण साईं की बात है और दूसरे जो 3 आरोपी हैं, गंगा, जमुना और हनुमान, इसके बारे में खुद विक्टिम ने ही कोर्ट के सामने बताया है कि नारायण साईं ने हमारे साथ ये बलात्कार किया है, हमारा जातीय शोषण 2 साल तक करता रहा है, ये कोर्ट ने बात मानी है। नारायण साईं के खिलाफ जो 6/10/2013 में जो गुनाह दाखिल हुआ था जहांगीरपुरा पुलिस स्टेशन में, DCB पुलिस सूरत ने उनका इन्वेस्टिगेशन किया था, फिर बाद में 35 आरोपी के सामने चार्जशीट पेश किया गया था। इसमें से 25 जो आरोपी है उसके सामने जो मेन जो एलिगेशन था, जो आक्षेप था कि वो हार्बरिंग का था, जो कि गुनहगार को आश्रय देना का, वो 25 आरोपियों ने नामदा गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया है और उनकी मैटर वहाँ पे स्टी है। रेस्ट ऑफ जो 10 एक्यूज 10 आरोपी के सामने नामदार सेशन कोर्ट में इंसाफी कार्यवाही संपन्न हुई और आज वो चुका दे के डेट दिया था, और आज नामदार कोर्ट ने 10 आरोपी में से 5 आरोपी है, जिसमें नारायण साईं जी है और गंगा, जमुना, कौशल ठाकुर और रमेश मल्होत्रा को दोषी पाया है। रमेश मल्होत्रा को ईपी कोनी कलम 212 के, जिसमें गुनहगार को आश्रय देना, वो कलम में उनको दोषी बताया है, ठहराया है। जो नारायण साईं जी को जो 376(2)(c) और 377 और बाकी धारा में उनको दोषी बताया है। गंगा, जमुना और कौशल के लिए नामदा कोर्ट ने जो मेन जो ऑफेंस है नारायण साईं जी के खिलाफ थे कि उसमें उनकी गुनाहित भूमिका यानी गुनाहित कावतरा की भूमिका में उनको दोषी ठहराया है।